मेरा नाम सैयद मखदूम अली रियाज है, मैं पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ। आज का इवेंट जो हो रहा है उसमें हम PSCC पार्टनर है, क्योंकि ये इवेंट भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और उसकी प्रमोशन के हवाले से है, तो PSCC खुद एक कल्चर सेंटर है, इसलिए हम इसके पार्टनर हैं और हम पूरा साथ देंगे। कल्चरल और फनी शोबे के जिस शोबे में भी मदद की ज़रूरत है, हमारा सेंटर हर लिहाज से साथ है। मेरा नाम महक राशिद है और मैं PSCC की स्टूडेंट हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कॉन्क्लेव पाकिस्तान में सेलेक्ट हुई। मेरे उस्ताद का नाम शाहिद हमीद है और ये सब उनकी काविशों का नतीजा है, और PSCC की मैं शुक्रगुजार हूँ, ये सब PSCC की काविशों का नतीजा है। PSCC के लिए क्या कहें, आर्ट और कल्चर का गहबारा, और मेरा तो बड़ा ही पुराना ताल्लुक रहा है उनसे, अपनी मसरूफियत की वजह से अब उतना जाना नहीं हो रहा, लेकिन मेरी दुआएं हैं कि जितना अच्छा काम वो कर रहे थे कर रहे हैं, अल्लाह करेगा और उससे बेहतर से बेहतर करेंगे, और इसी तरह से जैसे ये फंक्शंस हो रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके और ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि ये वबा जो है कोविड की चली जाए तो हम और फंक्शंस करें। शुक्रिया। जहाँ तक PSCC का ताल्लुक है हमारा, वहाँ से हाँ बचपन से हमारा ताल्लुक है, हम वहाँ जितने प्रोग्राम्स होते रहे, नौजवानी में भी जाते रहे, बाद में भी जाते रहे, पाकिस्तान में और ख़ास तौर से कराची में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की सख्त ज़रूरत है। ऐसे इंस्टीट्यूट मज़ीद बनाए जाना चाहिए जो आर्ट और कल्चर के फ़रोग के लिए, क्योंकि तालीम के साथ साथ बच्चों में, नौजवानों में और जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए भी एक तफरी का सबब भी होता है, नॉलेज का सबब भी होता है। तो PSCC के जो सदर हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आज उन्होंने कितने ज़बरदस्त प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं आयशा उमर हूँ एंड मैं PSCC के बारे में कहना चाहूँगी। ओवर द ईयर्स जब से मैं कराची शिफ्ट हुई, मैंने अपना करियर शुरू किया, बहुत दफ़ा मैं PSCC के इवेंट्स पे, मुख्तलिफ तकरीबों पे गई हूँ, एंड आई थिंक देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यू नो द आर्ट्स एंड कल्चर एंड प्रमोटिंग इट इज़ ह्यूज। बहुत ही एक सिविलाइज्ड, एक बहुत अच्छी कोजी सी जगह है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, यू नो दे गिव अ चांस टू यंग एमेचर्स आल्सो, प्रोफेशनल्स, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम और उनकी परफॉर्मेंसेस इवेंट्स होते हैं। सो वेल डन PSCC और यू नो गुड लक फॉर एवरीथिंग दैट यू विल डू इन द फ्यूचर। I really want to teach our youth, जो हमने थोड़ा बहुत सीखा अपने बड़ों से, मैं भी मेरे माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर्स रहे हैं, फारूक कैसर सर फॉर इंस्टेंस, वो मैं चाहती हूँ जो उनसे सीखा, जो सारे साल हमने काम किया है वो मैं उनको सिखाऊँ। भाई मैं आऊँगी, विजिट करूँगी, फिर देखूँगी, एंड आई वुड लव टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द यूथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी और मखदूम साहब बहुत शुक्रिया आज मुझे इनवाइट करने का इस महफिल में। और ये जो इदारे होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये बहाने होते हैं जुड़ने के,
और जो तरीका आपने अपनाया है जोड़ने का, वो हेरिटेज का, वो कल्चर का है। इससे ज़्यादा अपनाइए तो और किसी माशरे में कहाँ होती है जहाँ कल्चर से लोग जुड़ें। ये लोग बाहर से आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारे मुल्क में, हम में, हमारे लोगों में, तो ये एक प्यार फैलाने का तरीका है और लोगों को जोड़ने का और उनकी रूट से उनको जोड़ने का तरीका है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, खुदा भला करे सब लोगों को इसी तरीके से खुशियों में, मोहब्बतों में जोड़ता रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और अभी कुछ डांस आपने देखे थे वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डांस था वो। और अब जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए सब आपके जाने पहचाने हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं वो ये है। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है और मेरा PACC से बहुत गहरा ताल्लुक है और मैं काफ़ी अर्से से PACC में एक्टिव हुआ हूँ। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि PACC जितना कल्चर को प्रमोट कर रहा है और यंग जनरेशन को प्रमोट कर रहा है, इसमें कोई कराची में कोई ऐसा इदारा ऐसा नहीं है जितना PACC काम कर रहा है। PACC मैंने आज जो कल्चर में डांस परफॉर्मेंस दी है वो एक बहुत ज़बरदस्त वंडरफुल परफॉर्मेंस। मेरा नाम रुमाना हुसैन है। तो PACC से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है मेरा। ड्रामे बहुत सारे देखे हैं वहाँ पर, बहुत सारी सारे सेमिनार्स हुए हैं, पैनल डिस्कशंस हुए हैं, डांस परफॉर्मेंसेस हुई हैं। मतलब ये कि एक बहुत अहम जगह हमारे शहर के लिए, कराची के लिए PACC। हमें चाहिए कि सारे जो शहरी हैं कराची के, हम सपोर्ट करें ऐसी जगहों को। माय नेम इज रिजवान जाफर, आई एम द एंकर पर्सन एट आज न्यूज़ एंड फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ यूथ पार्लियामेंट। तो PACC से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। एक ज़माने में तो हम स्टूडेंट भी थे वहाँ पे, और फिर उसके बाद ये कि जो ख़ासतौर पे सदर कैंट में PACC है उसका जो ऑडिटोरियम है उसमें यूथ पार्लियामेंट ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। स्पेस जो होती है, कोई जो वेन्यू होता है वो बड़ा मैटर करता है किसी भी शहर के अंदर। अगर ये स्पेस ना हो लोगों को कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए तो फिर जो है वो शहर ज़िंदा नहीं रह पाते। तो ये शहर को सांसें लेने के लिए जगहें होती हैं। तो सिलसिले में PACC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हम समझते हैं कि आगे भी और ये रोल बढ़ना चाहिए, ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा सोशलाइज हों आपस में और जो है वो जो कल्चर है हमारा उसको आगे बढ़ा सकें। बड़ी खुशी हुई आज इस इवेंट पे आके। जहाँ तक मखदूम साहब का ताल्लुक़ है वो अपनी मिसाल आप हैं और हमेशा से पेश रहते हैं तमाम मामलात में। और जहाँ तक अमेरिकन कल्चर सेंटर का ताल्लुक़ है, ये मैं समझता हूँ कि कराची की जो है वो एक बड़ी कदीम निशानियों में से एक निशानी है और यहाँ से बेशुमार लोगों ने बेशुमार चीज़ें सीखी और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली जहाँ से इन्होंने इल्म हासिल किया इस PACC से, इन्होंने पूरी दुनिया में उसको उजागर किया। और हम बचपन से हमेशा PACC का नाम सुनते आ रहे हैं और जब भी कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और आगे की तरफ जाऊं और इंग्लिश सीखूं या कल्चर से वाबस्तगी मेरी हो तो वो PACC लाजमी आता है और आज भी यह सिलसिला जो है जारी व सारी है।